अच्छा जी, आज हमारा जो टॉपिक है वो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मॉड्यूल हम शुरू कर रहे हैं। अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से क्या मुराद है कि हम कह रहे हैं कि हमारी वेबसाइट बनी हुई है और हम उसको ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं सर्च इंजन के ऊपर। मतलब लोग जब क्यूरी करें, जैसे हमें कोई चीज़ चाहिए होती है तो हम कहते हैं गूगल कर लो भाई, गूगल करोगे तो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, वेबसाइट्स आ जाएंगी। तो हम ये कह रहे हैं कि जब कोई बंदा गूगल करे अपनी रिक्वायरमेंट, उसको कौन सी सर्विस चाहिए वो गूगल कर रहा है, उसे कौन सी प्रोडक्ट चाहिए वो गूगल कर रहा है, या उसे कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो गूगल कर रहा है। बस यही तीन चीज़ें हैं ना जो कोई लोग गूगल करते हैं, या तो उसे कोई सर्विस चाहिए होती है किसी की, या उसने कोई प्रोडक्ट बाय करनी होती है, या फिर उसे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, तो इस मकसद के लिए वो गूगल कर रहा है। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई हमने वेबसाइट्स को इस तरह ऑप्टिमाइज करना है कि जब कोई भी बंदा गूगल करे तो हमारी वेबसाइट पहले सफ़े पर आए, पहली बात, और फिर पहले 3, 4, 5 नंबरों पे नजर आए। सो इट इज़ कॉल्ड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। और ये ऑर्गेनिक है, ये पेड नहीं है। ऑर्गेनिक रखें, आप ऑप्टिमाइज करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि हम पेड और ऑप्टिमाइजेशन कर लें, उसे हम बोल रहे होते हैं सर्च इंजन मार्केटिंग, कि सर्च इंजन मार्केटिंग है, यानी वो पेड है, जिसको मैं कहता हूँ ना गूगल एड्स, दैट इज SEM, सर्च इंजन मार्केटिंग। वो ऑर्गेनिक नहीं है, वो पेड है। सो अभी मैं ऐड चलवाऊँ, अपना गूगल ऐड चलवाएं हम किसी भी टॉपिक के ऊपर, किसी भी इंडस्ट्री का, कोई भी बंदा कुछ सर्च करेगा तो उसका ऐड नज़र आना शुरू हो जाएगा उस कीवर्ड के अगेंस्ट। सो ये तो पेड काम है। लेकिन जब हम SEO की बात करते हैं तो SEO पेड नहीं है, SEO ऑर्गेनिक है, SEO नेचुरल है, कि हम लोगों ने गूगल के स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं जो उसने हमें बताए हैं कि भाई आपकी वेबसाइट को ऐसा होना चाहिए तो आपकी वेबसाइट जो है वो रैंक कर जाएगी और पहले नंबर पर आएगी। हम जानते हैं कि जब हम गूगल करते हैं तो वेबसाइट्स की तो लंबी वेबसाइट्स आ जाती हैं, एक पहला सफ़े की वेबसाइट्स होती हैं, एक दूसरे सफ़े की वेबसाइट्स होती हैं, और हम लोग कोशिश करते हैं कि कभी भी कोई बंदा आज तक दूसरे पेज पे तो गया ही नहीं, कोई भी नहीं गया, कभी भी नहीं गया। मतलब आप में से कभी कोई बंदा कहा होगा यार पहला पेज की सारी वेबसाइट देख ली है, अब मैं जो चीज़ ढूंढ रहा था, मैंने जो खरीदना है, मैं दूसरे पेज पे जाकर उसकी प्रोडक्ट देख लूँ, कभी भी नहीं जाते हम। हमारी कोई और पहली, और उसके बाद हमारी कोशिश होती है कि भाई पहली 4-5 जो साइट्स नज़र आ रही हैं उधर से ही हमारा काम हो जाए तो अच्छी बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम एज ए प्रोफेशनल देखें कि जिन लोगों, ऐसे तो नहीं है कि दूसरे नंबर पर साइट्स नहीं आ रही, साइट्स तो आ रही हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि शायद उन्हें अवेयरनेस नहीं है कि दूसरे पेज के ऊपर जो साइट आ रही है वो कुछ भी नहीं है, वो एक किस्म की आपकी प्रोफाइल है बस। अगर आपने किसी से शेयर करनी हो तो उसे अपना URL भेज दें, तो वो उस URL पे क्लिक करेगा तो चाहे वो दूसरे पेज पर हो, चाहे वो पहले पेज पर हो, चाहे वो 10वें पेज पर हो, वो तो खुलेगी खुलेगी। लेकिन बेसिकली आपकी मार्केटिंग नहीं हो रही है, आपकी ऑनलाइन या इंटरनेट मार्केटिंग नहीं हो रही है। अगर कोई बंदा ये समझता है कि सिर्फ वेबसाइट बनाने से मैं इंटरनेट मार्केटिंग कर रहा हूँ तो ये गलत अप्रोच है। और एज ए डिजिटल मार्केटर मैं सबको ये कहता हूँ कि भाई एक बंदा जो है वो कहता है कि मुझे इंटरनेट मार्केटिंग करनी है, तो इसका मतलब है कि उसका कोई स्पेसिफिक बजट होगा उसके पास इंटरनेट मार्केटिंग करने के लिए। तो उस बजट में उसने प्लान करना है कि उसको अपने कौन से प्लेटफॉर्म्स इस्टेब्लिश करने हैं और किस प्लेटफॉर्म के ऊपर कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है। मतलब ये अहम बात है। मतलब मैं ये कहूँगा कि अगर किसी ने इंटरनेट मार्केटिंग करनी है तो उसका कम बजट होना चाहिए वेबसाइट बनाने पर, और उसका ज़्यादा बजट होना चाहिए ऑप्टिमाइजेशन का, ताकि वो पहले नंबर पर, बेशक उसकी वेबसाइट सिंपल सी बनी हुई है, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर मैं डिजिटल मार्केटर हूँ तो मैं आपको एक सादा सा पेज दे दूँगा कि भाई ये मैं ऑफर करने लगा हूँ, वो कलरफुल पेज ना हो, वो कोई बहुत बड़ा ब्रोशर ना हो, वो कोई मैगजीन की शक्ल में ना हो, मेरी इन्फॉर्मेशन तो अब तक आ गई है, असल चीज़ यह है कि मेरी इन्फॉर्मेशन कितनी कंप्लीट है उस सफ़े के ऊपर। तो आपने अपने प्रोडक्ट, आपकी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि भाई वेबसाइट तो कहते हैं जी 5,000 की भी बन जाएगी, 10 की भी बन जाएगी, 20 की, 50 की, लाख की, तो मैं कहता हूँ नहीं यार लाख वाली वेबसाइट होनी चाहिए मेरी। हमें उधर बजट लगाने की बजाय हमें अपना बजट इंटरनेट मार्केटिंग के ऊपर लेकर आना है, ताकि हमारी जो वेबसाइट बनी है वो दूसरे सफ़े पर ना जाए। अभी तो हम ये करते हैं कि सारा बजट ही डेवलपमेंट पे लगा देते हैं और आखिर में हम रो रहे होते हैं, वो लोग जिन्होंने बनवाई होती है वो कहते हैं ना पहला बंदे ने काम किया है, उसने 2 लाख रुपए मेरे लगवा दिए, और जब हम उसकी वेबसाइट देखते हैं ना एज ए ऑप्टिमाइजर तो फिर हमें कुछ नज़र आ रहा होता है कि यार इसमें तो इम्प्रूवमेंट्स होने वाली हैं, तो वो और परेशान होता है कि इतने पैसे तो मैं आगे लगा चुका हूँ। सो हमें पहला प्लान ये बनाना चाहिए कि आप अब जिन जो मेरे क्लाइंट्स ऐसे होंगे जिनकी साइट्स बनी होंगी, अब उन्हें तो हम ये नहीं कहेंगे कि अब ठीक है अब आपने पहले बनाई थी, अब नई वेबसाइट बनाएं,
अब हम उन्हें यही कहेंगे कि इट्स ओके, हम इसी को ऑप्टिमाइज करते हैं। लेकिन अगर आप किसी को एज ए फ्रेशर ले रहे हो, बिल्कुल बिगनिंग से उसका काम शुरू करना हो, यानी वो इंटरनेट मार्केटिंग में आना चाहता हो और वो अभी अपने प्लेटफॉर्म भी सजेस्ट कर रहा हो कि क्या होने चाहिए, तो हम उसे सबसे पहले यही कहेंगे कि भाई आपका जो बजट है उसमें से मोस्टली बजट आपने इंटरनेट मार्केटिंग के लिए रखना है, उसमें से कुछ बजट आपने SEO के लिए रखना है और कुछ बजट आपने SEM के लिए भी रखना है। क्योंकि SEO जो है वो फौरी रिजल्ट नहीं देती है। मतलब अगर हम ये कहेंगे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एकदम रिजल्ट देना शुरू हो जाएगी, मैं करूँ और होना शुरू हो जाए, ऐसे तो नहीं होगा। इसका एक टाइम पीरियड है, ये कम से कम 3 से 6 माह आम इन्वायरमेंट में। और अगर कंपटीशन ज़्यादा हो, कंपटीशन का मतलब क्या है कि जिन कीवर्ड्स पे मैं काम करना चाह रहा हूँ, जो मेरी प्रोडक्ट्स हैं उसके और बहुत सारे लोग मौजूद हैं इंटरनेट के ऊपर, तो इसका मतलब है कंपटीशन तो बहुत हाई है। तो यहाँ पर टाइम साल का भी लग सकता है और साल से ज़्यादा भी लग सकता है। तो क्लाइंट तो वेट नहीं करेगा ना, वो तो ये नहीं कहेगा कि भाई ठीक है मैं साल के बाद मुझे रिजल्ट आना शुरू हो जाए, वो तो ये कहेगा मुझे फौरन रिजल्ट आने चाहिए इंटरनेट के ऊपर, इंटरनेट मार्केटिंग से। तो फिर हम उसे कहेंगे कि हम यूँ करते हैं कि 4 महीनों में तो आपका रिजल्ट आना शुरू होना है SEO का, ठीक है, तो वो फिर कंसिस्टेंट हो जाएगा आपका। उस वक्त तक जब तक आपको वो रिजल्ट नज़र नहीं आता, आप SEM कर लो, यानी कि सर्च इंजन मार्केटिंग कर लें, पहले पेड मार्केटिंग कर लें, जब तक आपको रिजल्ट्स आने शुरू नहीं होते। और जब आपको रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, फिर बेशक आप इस सेगमेंट को छोड़ भी दीजिएगा, लेकिन SEM का जो सेगमेंट है उसे छोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है ना। बिल्कुल इसी तरह ही है ना, जैसे कि पीक सॉल्यूशंस वाले सड़कों पे बैनर्स लगाते हैं, अखबार में इश्तिहार देते हैं, तो कोई बंदा कहे कि यार ठीक है आप इतने पॉपुलर हो गए तो ये सेगमेंट छोड़ दें। रू अफजा वाले TV पर इश्तिहार दे रहे होते हैं, इंटरनेट पर इश्तिहार देते हैं, तो कहते हैं नहीं यार ये तो बड़ी पॉपुलर ब्रांड है भाई, अब इसकी एडवर्टीजमेंट की क्या ज़रूरत है। वॉल्स के इश्तिहार TV पे आ रहे होते हैं, तो कोई कहे कि यार अब इनके एडवर्टीजमेंट की तो ज़रूरत ही नहीं रही। या किसी का इश्तिहार दे के हम ये कहें कि यार ये लगता है इनके हालात ख़राब हो गए, अब ये लोग ऐड देना। एक कॉमन सी बात यही होती है ना, किसी का अचानक ऐड हमारे सामने आया तो हमारे जहन में सबसे पहले ही आता है, कहते हैं लगता है कंपनी चल नहीं रही। सो कंपनी को चलाने के लिए तो एडवर्टीजमेंट नहीं करते ना, कंपनी को ग्रो करने के लिए एडवर्टीजमेंट कर रहे होते हैं, और हमें मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे इन चीज़ों को लेकर जाना होता है, ठीक है। सो हमें फिर पार्टली, और ये जो SEM है ये भी हमारा एक मॉड्यूल है, सेपरेट मॉड्यूल है, जिसमें हम गूगल एडवर्टीजमेंट पढ़ेंगे। यानी कि जब हम कहते हैं ना सर्च इंजन मार्केटिंग, तो हम कहते हैं पेड एडवर्टीजमेंट, और जब हम कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन तो हम कहते हैं ऑर्गेनिक मार्केटिंग। ऑर्गेनिक मतलब हम लोगों ने ऑप्टिमाइज कर दिया, हम लोग रैंक करें खुद से, ठीक हो गया। अब जब हम ये बात कर रहे हैं SEO की, तो SEO के लिए हमें क्या चाहिए। SEO की आगे से हमारे पास दो मेन मॉड्यूल्स हैं, एक मॉड्यूल है हमारा ऑनसाइट SEO और एक है हमारा ऑफसाइट SEO, ठीक है ना। अब अगर हम नाम से ही कहें ऑनसाइट SEO और ऑफसाइट SEO क्या है, तो ऑनसाइट SEO तो नाम से ही अंदाजा हो रहा है कि भाई ऐसी ऑप्टिमाइजेशन जो आप वेब प्राइस के ऊपर इंप्लीमेंट करोगे, अपनी वेबसाइट पर इंप्लीमेंट करोगे, वो ऑन साइट है। मतलब मैं ये कहता हूँ भाई मेरी वेबसाइट है उसका टाइटल कैसा होना चाहिए, ठीक है, उसकी डिस्क्रिप्शन कैसी होनी चाहिए, उसकी बॉडी में जो टेक्स्ट नज़र आ रहा है वो कैसा होना चाहिए, उसमें कितना टेक्स्ट होना चाहिए, उसमें इमेजेस कितने होने चाहिए, क्या कोई वीडियो होनी चाहिए, क्या उस पर लिंक्स बने होने चाहिए। अब अगर मैं ये कहता हूँ नहीं बना हुआ ये सब कुछ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो बनाने पड़ेंगे। वेबसाइट जब डेवलप हो चुकी हुई है तो अब ये काम आपने करना है, SEO ऑप्टिमाइजर ने करना है। अब लग ऐसे रहे कि जैसे ये भी कुछ वेबसाइट डेवलपमेंट वाला काम ही है, दिखने पे तो ऐसे ही लग रहा है ना। मिसाल के तौर पर एक बंदा जो वेबसाइट को चेंज नहीं कर सकता, तो फील तो यही हो रहा है कि वो ऑनसाइट SEO भी नहीं कर सकता। और जो वेबसाइट को चेंज कर सकता है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि उसे कुछ ना कुछ वेब डेवलपमेंट आती होगी तभी चेंज कर सकता है। तो अब हमारी जो क्लास है उसके अंदर हम सपोज करते हैं, मतलब हम ये नहीं कहते कि जाओ भी पहले वेबसाइट डेवलपमेंट सीख कर आओ, ठीक है, फिर हम ये कराते हैं तुम्हें, नो मैं इस तरीके से कराता हूँ कि मैं आप लोगों को सपोज करते हैं कि हम एक प्रोजेक्ट लेते हैं, कोई एक वेबसाइट लेते हैं, और मैं आपको वेबसाइट एडिट करनी सिखाता हूँ। अब जो वेबसाइट्स हैं हमारे पास उसके दो मॉडल हैं, एक कोडिंग वाली वेबसाइट है, वो किसी भी तरह की कोडिंग हो सकती है, लेकिन जो भी कोडिंग होगी उसकी बेस HTML होगी, यानी कि उसका बेसिक कोड जो होगा वो HTML में लिखा होगा, ठीक है। और एक हमारे पास कोडिंग जो है वो विजुअल कोडिंग है, जिसको हम बोलते हैं CMS, यानी उसे हम बोलते हैं कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, यानी ऐसी वेबसाइट जो CMS बेस्ड है।
सीएमएस बेस्ड वेबसाइट्स उन्हें बोलते हैं जो ग्राफिकल है, उसमें बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन उनमें जो सबसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म है वो वर्डप्रेस का प्लेटफॉर्म है, यानी कि आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस में बनी हुई है। अब अगर हम ये देखें तो वर्डप्रेस के भी दो एंड है। वर्डप्रेस ऐसे ही है जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज कर रहे हैं, सब कलरफुल है, मतलब मुझे टेबल बनाना है, मेन्यू बना हुआ है, विजुअली नजर आ रहा है, टेबल क्रिएट कर लो, मुझे कोई भी काम करना है विजुअली कर रहा हूं मैं, है ना। सो वर्डप्रेस बिल्कुल इसी तरह का ही है कि आप वेबसाइट बना रहे हो तो उसने सेक्शंस दिए होंगे कि हाँ भाई ये ऊपर वाला सेक्शन है, हेडर का सेक्शन है, अब इसके बाद आपने क्या करना है, कोई पैराग्राफ लिखना है तो पैराग्राफ का सेक्शन उठा लो, आपने कोई वीडियो गैलरी बनानी है तो वीडियो गैलरी वाला सेक्शन उठा लो, आपको इमेजेस लगानी है तो इमेज वाला पार्ट लगा लो, यानी वो ड्रॉप एंड ड्रैग है, ड्रॉप एंड ड्रैग लगाया, क्लिक किया, तस्वीर चेंज की, तस्वीर लग गई। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि उसको तो हम कहा जाए कहेंगे कि वो तो इतना खास उसमें डेवलपमेंट का रोल कम है क्योंकि उसकी बैक एंड पे डेवलपमेंट हुई हुई है सारी, लेकिन नो डाउट उसमें भी जब हमें एडवांस काम करना होगा तो उसमें भी हमें एक्सपर्ट होना पड़ता है, लेकिन उसको यूज करना आम लोगों के लिए ज्यादा आसान है। और मोर देन 70% साइट्स जो बनी होती हैं वो वर्डप्रेस पे बनी होती हैं, ठीक है। जो बाकी की साइट्स हैं वो कोडिंग वाली हैं, उसकी वजह एक ये भी वजह है कि इजी टू यूज भी है और चीप वेबसाइट्स भी होती हैं, वो मतलब वो एक्सपेंसिव भी नहीं होती है। लेकिन अगर उसके हम ड्रॉबैक्स देखें क्या होते हैं, तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो ये होता है कि उसके साथ एक मेंटेनर को बैठना पड़ता है, इसलिए कि वहां पर जो कुछ भी लग रहा होता है, अभी मैं कह रहा हूँ कोडिंग वाली वेबसाइट तो आपको नाम से ही अंदाजा हो रहा होगा कि क्या मतलब है कोड करना है, यानी कि कोडिंग करेंगे, कोडिंग लिखेंगे तो कोडिंग वाली वेबसाइट बन जाएगी, ऐसे ही है ना, कोड टाइप करेंगे। लेकिन जो वर्डप्रेस है उसमें प्लगइन्स होते हैं, प्लगइन्स को क्या समझ लोगे, एडिंस, यानी कि वर्डप्रेस का सॉफ्टवेयर है उसके अंदर कुछ और लाना है तो एक और एडिन ले आओ, ठीक है। अब वो जो प्लगइन्स होते हैं लाजमी बात है वो क्रिएट किए होंगे किसी ने और एक खास वक्त में बनाए होंगे, जैसे एंटीवायरस होता है आपका, तो एंटीवायरस जो होता है उसकी भी अपडेट्स आती रहती हैं आपके पास, तो अगर मैं 1900 या मैं 2000 का कोई एंटीवायरस यूज कर रहा हूँ तो आज के वायरसेस को तो पिक नहीं करेगा, कभी भी नहीं पिक करेगा, जो वायरस कल आया तो 2000 में तो उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो वो उस वायरस को तो डिटेक्ट भी नहीं करेगा, रिमूव करना तो दूर की बात है। तो इसका मतलब क्या होगा कि मुझे उसी एंटीवायरस की अपडेट भी चाहिए होगी। सेम इसी तरह जो वर्डप्रेस के प्लगइन्स होते हैं उनकी भी आपको अपडेट्स की जरूरत है, तो इसका मतलब है आप अपडेट करते रहेंगे। और यह भी हो सकता है कि कोई प्लगइन किसी टाइम पर जाकर एक्सपायर हो जाए, फिर क्या करना पड़ेगा, हमें उसका सब्स्टिट्यूट प्लगइन को इंस्टॉल करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई भी बंदा अपनी वर्डप्रेस में वेबसाइट बनवाए और वो खुद से बिल्कुल कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं है, उसको बिल्कुल कुछ नहीं पता कि कैसे मैंने इस वर्डप्रेस की वेबसाइट को देखना है, देख भी ना सकता हो, और 6 महीने तक 8 महीने तक कोई बंदा उस वर्डप्रेस वेबसाइट को ना देखे, तो बहुत सारे चांसेस हैं कि आपकी वेबसाइट को वल्नरेबिलिटी इश्यूज आ सकते हैं, यानी उसके ऊपर हैकिंग भी हो सकती है, उस पर सस्पिशियस एक्टिविटी भी हो सकती है, उस पर कोई रीडायरेक्शन भी कर सकता है, आपकी वेबसाइट करप्ट भी हो सकती है। लेकिन जो कोडिंग वाली वेबसाइट है, अगर किसी बंदे ने 2000 में भी बनाकर किसी को दे दिया, उस पर सस्पिशियस एक्टिविटी कोई नहीं होनी है, नो डाउट के उसके अंदर भी हम ये कहेंगे कि भाई 2022 में तो बहुत सारी अपग्रेड्स हो गई हैं, लेकिन वो तो पुराना ही चल रहा है, वो पुराना ही चलता रहेगा लेकिन आपकी वेबसाइट को कुछ नहीं होगा। वो ये सीन देखने में तो हमें जरूर फील होगा कि यार ये तो बड़ी पुराने मॉडल की वेबसाइट है, उसे हमें अपडेट तो जरूर करवाना चाहिए, लेकिन वो आपको तंग नहीं करेगी, वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी। ऐसे नहीं होगा कि किसी टाइम पर जाकर कोई बंदा आपका URL लिखे और वो उसकी जगह पर किसी और सस्पिशियस वेबसाइट को खोल दे। सो ये वाले इश्यूज जो होते हैं वो वर्डप्रेस में आते हैं। एज ए एक्सपर्ट मैं रिकमेंड ये करता हूँ कि भाई आपने जब वेबसाइट्स बनवानी हो तो आप हमेशा कोडिंग वाली वेबसाइट बनाएं, क्योंकि वो आपके कंट्रोल में होती है, और वेबसाइट की जो लाइफ होती है वो भी आपने ये नहीं समझिए कि बस लाइफ टाइम है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, जैसे आप अपने बिजनेस को पॉलिश करते रहते हैं, जैसे हम कहते हैं पीक सॉल्यूशन वाले अपनी बिल्डिंग पॉलिश करते रहते होंगे, आज से 1 साल के बाद 2 साल के बाद आए तो यहाँ पर चेयर्स चेंज होंगी, कलर पेंट हुआ होगा, हो सकता है पंखे भी तब्दील हुए हों, स्क्रीन भी कोई लेटेस्ट आ गई हो, टेक्नोलॉजी लेटेस्ट यूज कर रहे हो, सेम इसी तरीके से हमें अपनी वेबसाइट्स को भी अपडेट करते रहना चाहिए, किसी एक टाइम पर आकर उसको रिप्लेस भी कर लेना चाहिए बिल्कुल, कि यार ये अब तो 10 साल पुरानी वेबसाइट होगी, अब नया मॉडल होना चाहिए, क्यों आजकल वो चीज़ें नहीं चल रही हैं नए मॉडल के मुताबिक। ये तो मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया अभी सिर्फ वेबसाइट्स का, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं कि हमारी जो वेबसाइट्स हैं वो कैसी होनी चाहिए। अभी हम फिलहाल बात करें कोडिंग की, लेकिन इस कोर्स में मैं आपको दोनों इंटरफेस बताऊंगा।
वर्डप्रेस वाला इंटरफेस भी दिखाऊंगा कि वर्डप्रेस की अगर वेबसाइट बनी होगी उसकी एसईओ कैसे करनी है। उसकी एसईओ करनी बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आपको कोडिंग की एसईओ समझ में आ जाती है तो उसकी एसईओ हम देखिएगा एक दिन में ही कर लेंगे। बाकी का काम अगर मैंने 10 दिनों में कराया होगा तो उसकी एसईओ एक दिन में हो जाएगी, क्योंकि वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह ही है, सिंपल। उसके लिए सिर्फ हमें स्ट्रेटेजी देखनी है कि हमें यूज़ क्या करनी है, वो समझने वाली बातें होंगी हमारी। अब यानी अब मेरी इतनी डिस्कशन से आपको ये तो अंदाज़ा हो गया होगा कि हमें पहले क्या सीखना चाहिए। पहले हमें वेबसाइट का कंट्रोल चाहिए, यही है ना। सबसे पहले मुझे वेबसाइट का कंट्रोल होगा तो मैं एसईओ अप्लाई कर सकूंगा। सो हमारा जो पहला टास्क इसमें है एसईओ में है वो ये है कि मैं आपको वेबसाइट एडिट करनी सिखाऊंगा। क्योंकि मैंने जब आपसे कहा कि ऑन साइट एसईओ, तो ऑन साइट एसईओ का क्या मतलब है कि आपको बनी हुई वेबसाइट में जाकर कुछ चेंजेस करनी है। एक बंदे ने वेबसाइट बनवा ली है, अब मैं एक वेबसाइट खोलता हूँ वो आपको दिखाता हूँ। ये मैंने एक वेबसाइट खोली है, इस पे एंटर कर देते हैं, खुल गई है। ये देखिए क्या लिखा हुआ आ रहा है, ये ग्लॉब सा बना हुआ है, इसको हम बोलते हैं SSL अप्लाइड वेबसाइट्स हैं। ये सिक्योरिटी लेवल है इसका, ये लॉक लगा हुआ है, ये SSL परचेज करनी पड़ती है आपको जिससे आपकी वेबसाइट सिक्योर हो जाती है। ये हमारा टॉपिक होगा SEO के अंदर, लेकिन अभी ये दिखाने का मतलब सिर्फ ये है कि ये एक सिक्योर वेबसाइट है। तो आपकी भी जब वेबसाइट हो उसके ऊपर ये लॉक ज़रूर होना चाहिए। अगर आप में से किसी का कोई बिजनेस हो और वेबसाइट उसने बनवाई हो तो उसको सिक्योर वेबसाइट लेनी चाहिए, ठीक है। अभी हम ये पढ़ेंगे ये क्या चीज़ें हैं। ये वेबसाइट खुल गई है, सेम यही वेबसाइट मैं आपको देने वाला हूँ और इसी मॉडल को हम एडिट करेंगे ताकि आपको ये वेबसाइट एडिट करनी आए। जब आप एडिट करेंगे तो एडिट के दौरान ही आप एसईओ कर रहे होंगे बेसिकली। और अगर आपको कोई बंदा कहे कि मैंने ऑन साइट एसईओ करनी है और आप वेबसाइट के ऊपर जाके कुछ नहीं करते तो इसका मतलब है कि आप ऑन साइट एसईओ नहीं कर रहे हैं। ऑन साइट एसईओ का मतलब क्या है? ऑन साइट एसईओ का मतलब यह है कि अगर मैं मुख्तसर अब एक जायजा बताने लगा आपको, समरी बताने लगा कि ऑन साइट एसईओ में होगा क्या। मैंने सबसे पहले माउस रखा इसके टाइटल पर, तो यहां पर लिखा हुआ आ रहा है बेस्ट प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट इन पाकिस्तान। सो ये ऑन साइट एसईओ है, यानी इसका टाइटल हमें ऑप्टिमाइज करना है अपने कीवर्ड के साथ कि भाई लोग अगर मेरी वेबसाइट को, मेरी प्रोडक्ट को, मेरी सर्विस को ढूंढ रहे हैं तो मेरा मेरी सर्विस का जो टाइटल है यानी मेरी सर्विस का जो कीवर्ड है वो टाइटल में मौजूद होना चाहिए। ये हम सीखेंगे ऑन साइट में। तो लाजमी बात है अगर किसी वेबसाइट बनाई हुई है और यहां पर किसी ने कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो हमें सबसे पहले यहां पर कीवर्ड लेना है, लेकिन उससे भी पहले हमें कीवर्ड बनाना है। कीवर्ड बनाने का क्या मतलब है? कीवर्ड बनाने का मतलब यह है कि मेरा एक क्लाइंट है वो कोई चीज खास चीज सेल करने लगा हुआ है तो वो ऑनलाइन इंटरनेट मार्केटिंग करवा रहा है यानी एसईओ करवाना चाह रहा है अपनी। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा? सबसे पहले मैं देखूंगा भाई इसकी प्रोडक्ट्स क्या है, उन प्रोडक्ट की बेस पर मैं उसकी कीवर्ड रिसर्च करूंगा और मैं उसको बताऊंगा कि जनाब आप, मैं पहले उससे पूछूंगा कि आप कितने कीवर्ड के अगेंस्ट अपनी वेबसाइट को रैंक करना चाहते हैं। तो अगर तो कोई एक्सपर्ट सेलर होगा, सेलर इंटरनेट से कोई ताल्लुक नहीं है, तो उसको पता होगा कि भाई लोग मेरी चीज़ों को खरीदने के लिए इंटरनेट पर क्या लिखते हैं, तो वो मुझे बताएगा कि जी ये कीवर्ड्स हैं आप देख लें, ये आपके लिए कीवर्ड्स हैं या की फ्रेजेस हैं आप ये देख लें, मेरा क्लाइंट जो है ना वो ये लिखता है। तो उसने मुझे कोई दे दिया सपोज 20 फ्रेजेज इस तरह के, अब मैंने उन फ्रेजेस की मदद से उसकी कीवर्ड फाइंड करने हैं। यानी अब वो मुझे कहेगा कि मुझे कीवर्ड्स कितने चाहिए, मुझे 8 चाहिए, 10 चाहिए, 15 चाहिए, 20 चाहिए। अब मैं कीवर्ड सर्च करूंगा और मैं उसको जो रेट दूंगा उसकी ऑप्टिमाइजेशन का बेसिकली वो कीवर्ड्स के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर कोई मुझे कहे कि भाई मेरे पास मुझे 10 कीवर्ड्स चाहिए तो उसका रेट डिफरेंट होगा, अगर कोई मुझे कहे मेरे 5 कीवर्ड्स हैं उसका रेट कम होगा। कीवर्ड्स बढ़ते जा रहे हैं, एसईओ का रेट भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लाजमी बात है कि आपकी ऑप्टिमाइजेशन बढ़ती जा रही है। ये अब मैंने आपको टाइटल दिखाया तो आप देख रहे हैं टाइटल में तो एक ही कीवर्ड नजर आ रहा है हमें। टाइटल की जो लेंथ होती है वो अबाउट 60-70 कैरेक्टर्स होती है, तो वहां पर मैं 20 कीवर्ड तो लिख भी नहीं सकता, एक दो ही कीवर्ड लगा सकता हूँ वहां पर। तो इसका मतलब क्या हुआ? मुझे कोई और टेक्निक्स यूज करनी पड़ेगी बहुत सारे कीवर्ड्स को रैंक करने के लिए। अच्छा एक चीज होगी, अच्छा उसके बाद आगे आ जाए, लोगो नजर आ रहा है तो तस्वीर आई है, मेन्यू नजर आ रहा है, उसके बाद इमेजेस नजर आ रहे हैं और ये वाला जो पहला पार्ट होता है ये स्लाइडर है,
ठीक है ना, इस पे स्लाइडर चल रहा है। स्लाइडर का क्या मतलब है कि चार इमेज हैं, तीन इमेज हैं, पांच इमेज हैं, सात इमेज हैं, जो यूं करके चलते हुए नजर आ रहे हैं आपको। अगर हम SEO ऑप्टिमाइजर के तौर पर देखें तो हम इस स्लाइडर को रिकमेंड नहीं करते, ठीक है। हम कहते हैं भाई जो अच्छी प्रोफेशनल वेबसाइट्स बनी होती हैं वो अपनी वेबसाइट की स्पीड बढ़ाना चाहती हैं तो वो आपके स्टार्ट पर स्लाइडर नहीं रखती। और अगर हम स्लाइडर का यूज़र एक्सपीरियंस देखें, यूज़र एक्सपीरियंस, तो यूज़र एक्सपीरियंस भी यही कहता है कि स्लाइडर का यूज़र एक्सपीरियंस भी जीरो है। कि इट इज़ नॉट पॉसिबल कि कोई बंदा आपकी वेबसाइट पर आए और पहले रुक जाए वहाँ पर कि पहले मैं इसके सारे स्लाइडर्स देख लूँ। वो आपके किसी एक इमेज को ही देखेगा बस, और उसके पास स्क्रॉल करेगा अपनी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। ऐसे ही है ना, कभी भी लेफ्ट टू राइट मूव नहीं करेगा कि भाई इसने पांच स्लाइडर्स आए हैं तो मैं इसकी तस्वीरें देख लूँ। ये हम लगा रहे होते हैं कि भाई हमारे नज़दीक ये एक अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस है कि ज़रा एनिमेशन नज़र आ रही हो किसी को, लेकिन ये बहुत बैड फैक्टर है SEO के लिए। क्यों बैड फैक्टर है? इसलिए कि ये स्क्रिप्टिंग में बनता है और एक लैंग्वेज में बनता है, लैंग्वेज स्क्रिप्टिंग होती है जिसे हम बोलते हैं जावास्क्रिप्ट, उसमें ये बनता है। और जावास्क्रिप्ट आपकी वेबसाइट की स्पीड को स्लो करते हैं। सो एज ए SEO ऑप्टिमाइजर हम रिकमेंड करते हैं कि भाई जावास्क्रिप्ट को या तो स्टार्ट में इस्तेमाल ना किया जाए, या कम से कम इस्तेमाल किया जाए, या अगर आपको भाई हर जरूरत में स्लाइडर्स चाहिए ही चाहिए तो आप स्लाइडर को स्टार्ट पे यूज़ ना करें। यानी आपको बड़ा ही स्लाइडर चाहिए ना, तो मेरे ही मोबाइल के ऊपर एक वेबसाइट खुलती है, तो जब वेबसाइट खुलती है तो उसकी पहली स्क्रीन मोबाइल पर नज़र आ जाती है ना। मजीद देखनी हो तो मैं क्या करता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ, तो मैं कहता हूँ ये तो पहली स्क्रीन है ना, जो पहली वाली स्क्रीन है भाई, इस हिस्से पर तो स्लाइडर नहीं दिखाना। लेकिन जब कोई बंदा यूँ करके स्लाइड करके नीचे जाए ना, तो चलो उस हिस्से पर स्लाइडर रख लेते हैं। इसलिए कि जो पहली स्क्रीन है इसने आपकी वेबसाइट की स्पीड मेजर करनी है। यानी जो स्टैंडर्ड बन रहा है वो आपकी पहली स्क्रीन से बन रहा है। स्क्रॉल करने से पहले आपकी वेबसाइट लोड होने में कितना टाइम ले रही है, इसने आपकी वेबसाइट की स्पीड का मेजरमेंट करनी है कि आपकी वेबसाइट फास्टर है कि आपकी वेबसाइट स्लोअर है, ठीक है। चलिए जी और नीचे आ जाते हैं। ये भी आपको मैं एक वेबसाइट का लेआउट बता रहा हूँ। अब आप चाहें तो यहाँ स्लाइडर लगा लें, और चाहें तो स्लाइडर की बजाय एक तस्वीर लगा लें, और चाहें तो तस्वीर भी ना लगाएं, ठीक है, बल्कि सीधे अपनी मैसेज पर आ जाए। लेकिन अगर आप एक तस्वीर लगा लें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर आप चार स्लाइडर्स पे कोई मैसेज दे रहे हैं तो आप एक ही इमेज डिज़ाइन करवा के उस पर वो पूरा मैसेज ले आए, ताकि वो जो चार स्लाइडर से आपका मैसेज जा रहा है, जैसे हम फेसबुक पे एड्स देखते हैं तो फेसबुक पे कुछ एड्स होती हैं जो तस्वीर की शक्ल में नज़र आती हैं, कुछ एड्स होती हैं जो स्लाइड की सूरत में नज़र आ रही होती हैं, तो वो वाली एड्स अक्सर लोग तो पहली वाली एड ही देखते हैं, वो स्लाइड करके दूसरा एड तो कोई भी नहीं देख रहा होता। तो उससे ज़्यादा बेहतर होता है कि हम एक 10 सेकंड की वीडियो बना लें कि वो जो 10 स्लाइड्स हैं उसकी जब वो नज़र आए तो पहले एक स्लाइड नज़र आए, फिर एक सेकंड के बाद दूसरी नज़र आ जाए, फिर एक सेकंड के बाद तीसरी नज़र आ जाए, तो वो एक ही तस्वीर वीडियो में हमें सब कुछ नज़र आ रहा होगा। सो वो उसमें बेहतर है। सो हम एक इमेज लगा लें और उसमें अपना पूरा मैसेज दे दें, उसके बाद नीचे आए। हाँ जी, आगे क्या आ रहा है हमारे पास? आगे हमारे पास हेडिंग लिखी हुई है। अगर आप लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ कर लेते हैं तो आप ये देख के अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट जो लिखा हुआ है ये एक हेडिंग स्टाइल है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमारे पास टोटल 6 हेडिंग स्टाइल है, H1 से लेकर H6 तक। सबसे बड़ा जो हेडिंग स्टाइल है वो H1 है, और जो सबसे छोटा हेडिंग स्टाइल है वो 6 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हेडिंग स्टाइल यूज़ किया मैंने स्टार्ट पर, ये भी एक SEO का बहुत अहम फैक्टर है। और हेडिंग स्टाइल भी यूज़ किया और कीवर्ड भी यूज़ किया, आप देख रहे हैं ना, इसी कीवर्ड के अगेंस्ट मैंने वेबसाइट को ढूंढा है। और अगर मैं ये लिखूं तो ये वेबसाइट रैंक्ड भी है, ये वेबसाइट रैंक हुई हुई वेबसाइट है इस कीवर्ड के अगेंस्ट, और मैंने कीवर्ड को अपने हेडिंग स्टाइल में इस्तेमाल किया। उसके बाद मैंने आगे क्या लिखा है, अपने वेबसाइट का पैराग्राफ लिखा है, एक छोटा सा पैराग्राफ पहले, फिर उसके बाद एक थोड़ा सा बड़ा पैराग्राफ लिखा है, उसके बाद तस्वीरें आ रही हैं, नीचे फिर एक हेडिंग आ गई है ना, फिर एक हेडिंग आ गई है, फिर हमें एक हेडिंग नजर आई है, तस्वीर नजर आई है, टेक्स्ट नजर आ रहा है। तो ये जो वेबसाइट का मॉडल है, अब जरूरी नहीं है कि इमेज इतना बड़ा लगा, ठीक है ना, क्योंकि हमें ये चीज देखनी है। अगर हम चाहते हैं कि हम पहला फैक्टर उबूर कर लें कि भाई हमारी वेबसाइट स्पीड में है, तो वेबसाइट की स्पीड स्लाइडर्स ने बढ़ानी है और वेबसाइट की तस्वीर बड़े बड़े इमेजेस ने बढ़ानी है। तो मैं चाहूँ तो ये इतना बड़ा इमेज ना लगाऊं, इस इमेज ये छोटा ही है खैर,
ये ऊपर जो RGFS ये बहुत बड़ा इमेज है, इसको स्क्रॉल करके मुझे पूरा भी देखना पड़ रहा है ना, यानी पूरा इमेज एक स्क्रीन पे नजर भी नहीं आ रहा मुझे, मुझे स्क्रॉल भी करना पड़ रहा है। सो हम क्या करें कि इमेज जो है छोटा लगा लें थोड़ा सा, उससे भी हमारी वेबसाइट की स्पीड में फर्क पड़ेगा। और नीचे आए, यानी अभी हमें क्या नजर आया है, हेडिंग नजर आई, पैराग्राफ नजर आए, अब पेज की बॉडी की बात कर रहा हूं, और इमेजेस नजर आए, ऐसे ही है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इन सब चीजों को एज ए डेवलपर मैनिपुलेट करना आना चाहिए, तब हम वेबसाइट की SEO कर सकते हैं। अच्छा और नीचे आते हैं तो देखते हैं क्या और कोई नई चीज है इधर, एक ये नई चीज आ रही है, ये क्या है, गूगल मैप नजर आ रहा है हमें। इसका मतलब ये डिफरेंट चीज है, ये ऐड हुआ है, ये हमने देखना है ये कैसे ऐड करते हैं। सो इसका मतलब क्या हुआ, अब देखें हमने ये स्ट्रक्चर क्रिएट नहीं करना, सबसे पहले आपने जेहन में ये बात रखनी है, हम वेब डेवलपर नहीं है, वेब डेवलपर बिल्कुल डिफरेंट बंदा है और SEO वाला बंदा बिल्कुल डिफरेंट है। जिस बंदे ने वेबसाइट बनाई है उसको नहीं पता SEO क्या है, और जो SEO कर रहा है उसको वेबसाइट का पता होना चाहिए, मगर उसने वेबसाइट का स्ट्रक्चर खड़ा नहीं करना, उसने खड़े स्ट्रक्चर को चलाना आ गया। अगर कोई चीज अगेंस्ट है SEO के स्टैंडर्ड के, तो वो आपने इम्प्रूव करवानी है। वो कैसे इम्प्रूव करवानी है, वो हमने रीडायरेक्ट करना है, उसको डायरेक्शन देनी है डेवलपर को कि भाई ये स्टैंडर्ड पूरा नहीं। जैसे अभी एक डायरेक्शन तो हमने दे दी, सबसे पहले हमने क्या डायरेक्शन दी कि भाई ये जो स्लाइडर है ना, ये अब ये वाली जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन आपने क्लाइंट से भी डिस्कस करनी है। मे बी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हो गई भी मुझे तो चाहिए चाहिए स्लाइडर, आप क्लाइंट को एक बार बताएंगे कि भाई इस तरह है, आप स्लाइडर लगाओगे तो आपकी वेबसाइट की स्पीड जो है मैं डी पर ले आऊँगा, ई पर ले जाऊँगा, बी पर लाना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आप स्लाइडर को हटा लें या दूसरे पेज पर ले जाएं तो मैं आपको ए क्लास में रैंक करा सकता हूँ, ठीक है। अगर उनको फिर भी समझ में ना आए और वो कहें नहीं मुझे तो स्लाइडर हर हालत में चाहिए, तो लाजमी बात है हम उसका स्लाइडर लगा रहने देंगे। क्योंकि जब आप किसी वेबसाइट पर आता है, मैं सारा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ इसका, क्योंकि इंट्रोडक्शन ग्राउंड है आपकी SEO की, मेन ग्राउंड है। जब कोई बंदा आपकी वेबसाइट पर आता है, तो अगर आप कोई बंदा, जैसे मैं कहूँ कि बंदा पिक सॉल्यूशन में आया, ठीक है, अभी एंटर हुआ, वहाँ पर उसे एक सिक्योरिटी गार्ड मिला, और थोड़ा सा आगे आया तो उसको रिसेप्शन नज़र आ गई, बीच में कुछ स्टूडेंट्स भी नज़र आ गए, अभी तक वो क्यूरी ऑफिस में नहीं गया, ठीक है। सो कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि जो इस जगह से ही वापस चले जाते हो इन्वायरमेंट देख कर, कि भाई हमें इस कॉलेज की नहीं बात कर रहा मैं, कह रहा ये इन्वायरमेंट भी डिसाइड कर रहा है कि किसी ने किधर तक आगे जाना भी है कि नहीं जाना इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। सो ये एकदम ही बंदा चला गया अगर उसे इन्वायरमेंट पसंद नहीं आया, अगर उसने दरवाज़ा खोला, उसे कुछ सीन अच्छा लगा, वो थोड़ा सा और आगे आया, स्टूडेंट्स कुछ बैठे हुए थे, क्या कर रहे थे, एक्टिविटी बेस्ड, उसे ये वाला सीन भी ठीक लगा, थोड़ा सा और आगे आ गया, उसे फिर एक रिसेप्शन नज़र आई और उसे लगा वहाँ पर कोई बंदा बैठा हुआ है एंटरटेन करने के लिए, उसे पसंद आया, उसने कहा जी मुझे इस कोर्स में एडमिशन लेना है, उन्होंने कहा ना वो ऑफिस है उधर चले जाए, फिर वो उस ऑफिस में चला गया। अब क्या कह रहा है वो बंदा जो है, उसका काफ़ी टाइम हो चुका हुआ है दफ्तर में, पहुंच चुका हुआ है ऑफिस में, काफ़ी टाइम मतलब कुछ सेकंड्स उसने गुजार लिए हैं ऑफिस में, लेकिन अभी वो वापस नहीं गया, फिर वो ऑफिस में चला गया, ऑफिस वालों ने उसको एंटरटेन किया, क्यूरी दी, उसमें 2-4 मिनट लग गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसका वहाँ पर रहने का टाइम कुछ है, पीक सॉल्यूशन की बिल्डिंग में उसने कुछ टाइम गुजारा है। अब एक बंदा जो है वो आया और उसको किसी ऑफिस की बिल्डिंग ही पसंद नहीं आई, यानी उसको सिक्योरिटी गार्ड से ही कुछ मज़ा नहीं आया, तो यूं एंटर हुआ और मुड़ा और वापस चला गया, या थोड़ा सा और आगे आया, स्टूडेंट बैठे हुए थे, कोई फील नहीं हुआ उसे कि यार कोई इन्वायरमेंट ऐसा है कि भाई बहुत अच्छा एजुकेशनल इन्वायरमेंट है, उसने वहीं पर डिसाइड किया यार वापस चले जाते हैं, नहीं उससे भी आगे आ गया, उधर आकर उसको रिसेप्शन का इन्वायरमेंट पसंद नहीं आया तो उधर से वो वापस चला गया, या जैसे ही वो उधर ऑफिस में गया उधर उन्होंने उसको बिठा छोड़ा और क्यूरी नहीं दे रहे उसको, ठीक है, उसने कहा यार मेरे पास तो टाइम ऑलरेडी इतना शॉर्ट था, वो उधर से भी उठ कर वापस चला गया। और एक चीज़ ये है कि वो प्रॉपरली बैठा है, पूरी इन्फॉर्मेशन लेकर गया, 10 मिनट लगा वहाँ पर बैठा वो, ठीक है ना, और फिर गया। तो ये जो नई एक चीज़ मैं डिस्कस आपसे कर रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ कि ये बेसिकली डिस्कस ये पॉइंट कह रहे हैं कि लोग आपकी वेबसाइट पर आ रहे हैं तो क्या रुक भी रहे हैं कि नहीं रुक रहे हैं। क्योंकि एक ऑप्टिमाइजर का जो काम है वो क्या है, लोगों को वेबसाइट के ऊपर ले आना कि भाई आ जाओ इस वेबसाइट के ऊपर। अब अगर वेबसाइट का कंटेंट ही अच्छा नहीं है तो वो वापस चला जाए फॉरेन आकर, तो इसे हम बोलते हैं बाउंस रेट, कि बाउंस रेट कितना है आपकी वेबसाइट का।
बाउंस रेट अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना। यानी बाउंस रेट का क्या मतलब है कि लोग आते हैं और चले जाते हैं, यानी कि बाउंस तो यही है ना, चीज ने बाउंस किया क्या, आई और चली गई। हम क्या कह रहे हैं, बाउंस रेट कम होना चाहिए। मतलब मिसाल के तौर पर एक वेबसाइट है उसका बाउंस रेट 80% है, एक वेबसाइट है उसका बाउंस रेट 60% है, एक वेबसाइट है उसका बाउंस रेट 95% है। जिसका मतलब क्या है, लोग आते हैं और चले जाते हैं, इतना जल्दी चले जाते हैं कि वो पूरा पेज को देखते भी नहीं है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि पेज का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा नहीं बना हुआ जो कि उन्हें कन्विंस कर पा रहा है। सो ये इस चीज़ को हमें कंट्रोल करना है। अब बाउंस रेट को अगर मैंने आपको आज जितना पढ़ाया है, आपको लग रहा है कि इस बाउंस रेट में ऑप्टिमाइजर रिस्पॉन्सिबल है? बिल्कुल नहीं है। बाउंस रेट में तो ऑप्टिमाइजर नहीं है रिस्पॉन्सिबल, लेकिन बाउंस रेट को कंट्रोल करवाना हमारा काम है। यानी मेरे पास जब कोई वेबसाइट आएगी तो मैं उसको उसकी शक्ल देख के बताऊंगा कि भाई आपकी वेबसाइट पे ऐसा कौन सा कंटेंट है जिसे देखकर व्यूअर यहाँ पर रुके थोड़ी देर के लिए। सो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी वेबसाइट का कंटेंट में जान होनी चाहिए, क्योंकि हमने तो घुमा फिरा के बंदा घेर लिया है। हमने लिख दिया उसको जी बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर, बंदा घिर गया, वेबसाइट ऊपर आ गई, उसने क्लिक कर दिया, वेबसाइट खुल गई, ठीक है। अब तो वेबसाइट खुल ही नहीं रही है, खुलने में इतना टाइम लगा रही है। पहले वो बंदा सोचता है कि यार मेरी इंटरनेट की स्पीड ठीक नहीं है, फिर वो दूसरी वेबसाइट खोलकर देखता है, वो फटाफट कोई और खुल जाती है, कहता नहीं ये स्पीड का इशू तो नहीं है, वो वापस चला जाएगा, वहीं से वापस चला जाएगा। यानी स्पीड का मामला ये हो गया। उसके बाद वेबसाइट पर आया, उसने देखना था बेस्ट कंप्यूटर कोर्सेज इन लाहौर लिखा था उसने, लेकिन उसकी सर्च टर्म से रेलिवेंट कुछ मटीरियल ही नहीं है उसके पास। वो कहेगा यार मैं लिखा तो यही था बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर, आगे से कुछ और लिखा हुआ आ गया, उसकी हिस्ट्री नजर आनी शुरू हो गई है, इस तरह की चीजें नजर आ रही हैं, ठीक है, कोर्सेज से रेलिवेंट कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही मुझको, वो भी वापस चला जाएगा। यानी यहाँ पर बाउंस रेट हाई होगा। अदरवाइज ये है कि आपका कोर्स, आप कह रहे हैं बेस्ट कंप्यूटर कोर्सेज, तो इसका मतलब ये कि उसको जो चीज नजर आए वो कोर्सेज नजर आने शुरू हो जाए, और कोर्सेज के अंदर ही कुछ तस्वीरें नजर आ रही हों, जो क्लासरूम सेशंस नजर आ रहे हों, साथ ही उसको कोई एक छोटी सी वीडियो का भी बटन बना हुआ नजर आ रहा हो जिसमें स्टूडेंट्स के ट्रायल सेशंस नजर आ रहे हों। अब उसके काफी सारे मसाइल हल हो गए, वो वीडियो पे क्लिक करेगा, यूट्यूब पर एक 20 सेकंड का क्लिप चलेगा जिसमें टीचर पढ़ा रहा होगा, बहुत लंबा जोड़ा क्लिप नहीं दिखाना, टीचर दिखा रहा होगा, सीन नजर आ रहा होगा, भाई एकदम पता लग गया ये क्लासरूम है, ये टीचर है, ये स्टूडेंट्स हैं, ये इन्वायरमेंट है, उसके लिए डिसीजन लेना आसान हो गया, वो रुक रहा है उधर। हमने कस्टमर को वेबसाइट पे रुकवाना है, इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? इसका रिस्पॉन्सिबल है डेवलपर और क्लाइंट। सम क्लाइंट्स क्या कहते हैं, कहते हैं ना भाई वेबसाइट बना दो, वो कहते हैं जी क्या बनाएं डेवलपर को, जब वो पूछते हैं तो कहते हैं यार देख लो यार और जो बनी हुई है उनकी तरह की एक वेबसाइट हमारी भी बना दो, एक जनरल सी बात है, इस तरह ही लोग करते हैं। जब इस तरह की वेबसाइट हम बनवाएंगे तो बाउंस रेट हाई होगा। जब तक आपके जहन में अपनी वेबसाइट के लिए कोई प्लान नहीं होगा कि आपकी वेबसाइट का कॉल टू एक्शन क्या होगा, कोई बंदा आपकी वेबसाइट पर आ रहा होगा आप उसको रोकेंगे कैसे? आपने अपने बाउंस रेट को कंट्रोल करना है, बाउंस रेट आपका कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये एक वेबसाइट की मैंने बात बताई है आपको, तो ये चीजें सारी ऑन साइट में आ रही है हमारे पास। तो ये तो हो गई हमारी ऑन साइट। अब दूसरा फैक्टर था हमारे पास, वो कौन सा था? ऑफ साइट फैक्टर था। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपकी वेबसाइट है, मैं डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हूं, मैं आपके पास आता हूं, मैं आपसे कहता हूँ नाम मैं एसईओ कर दूंगा आपकी वेबसाइट के, तो आप मुझे ये डिटेल्स प्रोवाइड कर दें, ठीक है, आपने कहा चीज मैं भेज दूंगा, आप काम शुरू करें, कस्टमर तो ऐसी बात करेगा ना। मैं कहता हूँ चलो ठीक है, चार दिन गुजर गए उसने मुझे डिटेल्स नहीं भेजी। अब क्लाइंट के जहन में है कि ऑन साइट एसईओ भी है, ऑफ साइट एसईओ भी है, काम मैंने कहा कहाँ 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 से शुरू होगा, ऑन साइट एसईओ से शुरू होगा। उसने कहा हाँ जी क्या हो रहा है, मैं कहा हाँ जी हो रहा है काम आपका, मैं ऑन साइट एसईओ कर रहा हूँ आपकी। ऑन साइट एसईओ उस वक्त तक नहीं होगी जब तक कोई भी बंदा आपके साथ अपनी वेबसाइट के क्रीडेंशियल्स शेयर नहीं करेगा, क्योंकि मुझे आपकी वेबसाइट को खोलना है। मेरे पास कई ऐसे क्लाइंट्स आए हैं जो वो कहते हैं कि जनाब हमने अपनी वेबसाइट की एसईओ करवा ली है, ठीक है। सो मैं अगर उनसे ये क्वेश्चन करूँ कि जब मैं वेबसाइट का ऑडिट करता हूँ तो मैं देखता हूँ एसईओ नहीं हुई हुई, तो मैं उनसे कहता हूँ कि इसकी तो एसईओ हुई नहीं हुई है, तो कहते हैं नहीं नहीं उन्होंने की हुई है, तो मैं उनसे पूछता हूँ उन्होंने ऑन साइट की थी, कहते हैं जी। मैंने उनसे पूछा आपने उन्होंने आपसे कोई चीज़ मांगी थी, वेबसाइट की डिटेल्स मांगी हुई हैं? वो कहेंगे नहीं। तो इसका मतलब है कि ऑन साइट एसईओ नहीं हुई। मतलब अगर मैं आपकी वेबसाइट को खोल नहीं सकता, खोलने का मतलब ये नहीं कि ये खोल रहा हूँ मैं, यहाँ पर मैं चेंजेस तो नहीं कर सकता अभी, अगर मुझे तस्वीर के ऊपर कुछ करना हो क्या मैं कर सकता हूँ?
अगर मैंने हेडिंग में कुछ करना हो, मैंने आपके कंटेंट में कुछ करना हो, मैंने आपके कीवर्ड्स ऐड करनी हो, मैं तो कुछ नहीं कर सकता जब तक मेरे पास आपकी वेबसाइट का एक्सेस नहीं होगा। ऐसा एक्सेस जो वेब डेवलपर के पास है, जो बनाते हुए एक्सेस मिला था ना, वो वाला एक्सेस मुझे चाहिए, क्योंकि मुझे कोडिंग में चेंज करनी है या मुझे वर्डप्रेस में जाकर चेंजेस करनी है। सो उस एक्सेस के बगैर आपकी ऑन साइट एसईओ तो हो ही नहीं सकती, लेकिन आपकी जो ऑफ साइट एसईओ है उसके लिए आपको किसी एक्सेस की जरूरत नहीं है। आपकी ऑफ साइट एसईओ का मतलब है कि आपने दूसरों की वेबसाइट पे जाकर लिंक्स पोस्ट करने हैं, हमने दूसरों की वेबसाइट पे जाकर एसईओ करनी है। यानी दूसरी एसईओ क्या है कि लिंक्स लगाने हैं हमें। ये ऐसे ही है जैसे हम ये कहें जी पैकेजेस माल में कोई शो हो रहा है, बहुत बड़ा शो चलने लगा हुआ है, तो हमने कहा यार हमें भी एक चांस मिल गया है, उधर जितनी भी ब्रांड्स हैं ना सब में अपनी स्टैंडीज बनाते हैं और वहाँ पे लगाते हैं जाके। तो वहाँ पर हम कहते हैं भाई कोई 100 ब्रांड्स हैं जो इस वक्त शो में हिस्सा ले रही हैं, तो हमारी कंपनी के साथ कुछ डील हुई और हमने वहाँ पर स्टैंड ही रख दी कि कोर्सेज हो रहे हैं। अब फ़ायदा हमें क्या फ़ायदा हो रहा है कि हम जो ऑडियंस है कैश कर रही है अलग अलग ब्रांड की, हर ब्रांड पर अलग लोग जा रहे हैं, किसी की कोई पॉपुलर ब्रांड है, किसी के लिए कोई पसंदीदा ब्रांड है, जब वो उस ब्रांड के अंदर दाखिल होते हैं तो उन्हें हमारी स्टैंडिंग नज़र आ जाती है, ठीक है। या बिल करवा रहे हैं हम, तो वो हमने अपनी इनवाइस बनाकर दे दिया उन्हें, आधे पेज के ऊपर हमारे कोर्सेज नज़र आ रहे हैं, ऑफर्स नज़र आ रही हैं, आधे पेज पर बिलिंग नज़र आने लगी हुई है उनको। तो इससे क्या हो रहा है, हमें क्लाइंट्स मिल रहे हैं, ट्रैफिक भी मिल रही है, ठीक है, और हमारी उसमें भी ब्रांड अवेयरनेस में भी इजाफा हो रहा है और हमारी अथॉरिटी में भी इजाफा हो रहा है कि भाई 100 कमाल पर लगा हुआ है जनाब, मुख्तलिफ कंपनियों के उस जगह पर लगा हुआ है, तो उससे हमारी भी अथॉरिटी में इजाफा हो रहा है कि इतनी अच्छी जगह पर अगर इनकी एडवर्टीजमेंट चल रही है तो इसका मतलब है इनकी अपनी से भी अच्छी है। बिल्कुल इसी तरह लिंक बिल्डिंग भी है, जिसे हम ऑफ साइट एसईओ बोलते हैं। हम दूसरी ऐसी वेबसाइट पर जाएंगे जिनकी अथॉरिटी बहुत स्ट्रांग होगी और उन पर जाकर हम अपनी वेबसाइट के लिंक्स लगा देंगे। उन लिंक्स लगाने की वजह से हमें क्या होगा, हमें वोट मिल जाएगा। आप समझ लो कि उनके मिसाल के तौर पर अभी जो डोमेन अथॉरिटी होती है, अब ये चलिए जो पूरा कोर्स पढ़े हैं ना उसको मैं आज समराइज करके बता रहा हूँ, फिर उसको हम ऐसा ऐसा आगे लेकर चलेंगे। हाँ, जो डोमेन अथॉरिटी होती है वो 0 से लेकर 100 तक होती है, उसका स्कोर होता है। और जो अच्छी मिसाल के तौर पर अगर आप फेसबुक की डोमेन अथॉरिटी चेक करोगे तो फेसबुक की डोमेन अथॉरिटी 100 है, ट्विटर की चेक कर रहे होगे तो वो भी क्लोज टू 100 होगी। यानी जो अच्छी अच्छी वेबसाइट्स होंगी उनकी डोमेन अथॉरिटी 100 होगी, जो पुअर होगी वो 0 से शुरू होगी, ऐसा ऐसा बिल्ड होना शुरू होगी, 10 पर जाएगी, 8 पे आएगी, 12 पे जाएगी, 20 पे जाएगी, 40 पे जाएगी, ये नॉर्मल है, ये अच्छी डोमेन अथॉरिटी में कंसिडर नहीं होती। लेकिन जब 40 से ऊपर जाएगी तो इसका मतलब होगा कि अब आप बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, जब आप 60 पर चले जाओगे तो अच्छी डोमेन अथॉरिटी होगी, यानी 60 प्लस की जो डोमेन अथॉरिटी है वो अच्छी है। तो हम ऐसी जगहों पर अपने लिंक्स लगाएंगे जो 60 प्लस के होंगे, जिनकी ये चेक करेंगे हम, जब हम लिंक्स लगाना सीखेंगे तो हम चेक करेंगे कि भाई डोमेन अथॉरिटी कैसे चेक होती है, हमें कैसे पता लगेगा किसकी डोमेन अथॉरिटी अच्छी है और किसकी डोमेन अथॉरिटी अच्छी नहीं है। ये है हमारी लिंक बिल्डिंग जो हम डिटेल से पढ़ेंगे। सो ये हमारा पूरे का पूरा कोर्स जो हमने करना है, ठीक है। अब हमने पहले मरहले में जो करना है वो क्या करना है, ऑन साइट एसईओ करनी है हमने पहले मरहले में, पहले फेज में। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या सीखना है, ये जो फाइल्स बनी हुई हैं, कोडिंग जो हुई है वो HTML फाइल्स की कोडिंग है। यानी अभी मैंने टैग्स की बात की है तो हमें इन टैग्स को अंडरस्टैंड करना है, सारे टैग्स को अंडरस्टैंड करना है। टाइटल का टैग क्या होता है, हेड का टैग क्या होता है, बॉडी का टैग क्या है, हेडिंग स्टाइल्स के टैग क्या हैं, इमेजेस लगते हैं तो उसके टैग कौन से हैं, लिंक्स लगते हैं तो उनके टैग कौन से हैं। अब मैं सिर्फ उन टैग्स के नाम ले रहा हूँ जो SEO से रेलिवेंट है, ठीक है। इन टैग्स को हमें अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि जब हम इन टैग्स को अंडरस्टैंड कर लेंगे, और एक और चीज़, अब अभी हम प्रीवियसली हम ख़त्म करके आए हैं YouTube को, तो वहाँ पर भी ये टर्म यूज़ हो रही थी टैग की, है ना, उसके टैग में और इसके टैग में फ़र्क है, ये वो वाला टैग नहीं है, ठीक है। वो टैग क्या था, कीवर्ड था आपका, ये कोडिंग टैग है, यानी ये कोड करने के लिए टैग्स यूज़ हो रहे हैं। सो ये दो आपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर जाकर टर्म्स को डिफ्रेंशिएट कर लेना है, इनके ये वो टैग नहीं है। वहां पर जाकर तो मैं कह रहा था भाई कीवर्ड को टैग बना दो, यही कह रहा था ना, यहाँ पर तो ये कमांड लैंग्वेज है टैग, यानी कि जो कमांड देनी है हमने जिस लैंग्वेज में देनी है डेट इज अ टैग। सो ये जो भी मैंने नाम लिए यही सारी ऑन साइट एसईओ है, इन्हीं टैग्स को हमें, इसका मतलब क्या हुआ कि पहले तो हमें इन टैग्स को अंडरस्टैंड करना है, फिर हमें वेबसाइट को एडिट करना है, एडिट करना है। और जब आपको ये वेबसाइट एडिट करनी आ जाएगी, अब आपको मैं ये वेबसाइट दूंगा ऑफ साइट, आपके कंप्यूटर पर हो जाएगी ये स्टोर, इसको आपने चेंज करना है और इसको आपने अपनी वेबसाइट बनाना है,
ठीक है ना, अपनी वेबसाइट कैसे बना सकते हैं भाई, आप जो भी बनाना चाहते हैं, जैसे आप लायर हैं अपनी वेबसाइट बना लें, आप इसी की मदद से अपनी सर्विसेज की वेबसाइट बना लें, आप कुछ भी नहीं है तो आप डिजिटल मार्केटिंग के लिए अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट बना लें, इसको इस पर हमने काम करना है और इसकी हम SEO करेंगे, ठीक है, और इसके बाद हम इनको लॉन्च कर देंगे फ्री डोमेन्स के अंदर, फ्री जो डोमेन वेबसाइट्स होंगी ना उसमें मैं इनको लॉन्च भी कर दूंगा, ताकि आप SEO का जो स्कोर है वो लाइव हुए बगैर नहीं देख सकते, मतलब आपको मैं ये कहूँगी ये SEO है, जैसे आज पढ़ा रहा हूँ इसी तरह मैं 10 लेक्चर SEO के ख़त्म कर दूँ और कहूँ SEO हो गई, ठीक है, सो इस तरह तो SEO आपको नहीं आएगी, कुछ भी करना ही नहीं आएगा, सो हमें सारा काम पहले ऑफसाइट करना है, ऑफसाइट करने के बाद उसको लाइव करना है, लाइव करने के बाद हमने उसको देखना है कि भाई क्या रिजल्ट क्या है इसका, SEO का स्कोर हमें क्या मिल रहा है इसके ऊपर, समझ आ गई बात की। आज का लेसन हम इतना ही रखते हैं, इंट्रोडक्शन का था, अगला लेसन जो हमारा होगा वो किस चीज़ का होगा, कोडिंग का होगा सबसे पहले, और लाजमी बात है कि जिसने वेबसाइट एडिट करने वाले लेक्चर्स ना देखे सुने तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी SEO की स्किल वीक होगी, यानी वो SEO भी नहीं कर पाएगा सही तरीके से, ऑन साइट SEO नहीं कर पाएगा, ऑन साइट SEO करने के लिए आपकी एडिटिंग की स्किल अच्छी होनी चाहिए, और ये जो SEO में ये एडिटिंग वाला जो मॉड्यूल है ये मैंने खुद ऐड किया हुआ है, क्योंकि इसको क्योंकि मैं खुद से डेवलपर हूँ, खुद ये काम करता हूँ, मुझे पता है कि मेरे पास जब भी कोई प्रोजेक्ट आता है जब तक मैं वेबसाइट का मेरे पास कंट्रोल नहीं होगा मैं उस प्रोजेक्ट को समझ ही नहीं सकता कि मैंने करना क्या है, तो आपको वेबसाइट को एडिट करना आना चाहिए सबसे पहले, और इसका ये फ़ायदा भी है कि अगर आप डेवलपर भी नहीं है तो आपको एक मॉडल मिल गया वेबसाइट का, अगर आपने अपनी अपनी वेबसाइट बनानी हो तो इस मॉडल पर आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। एक और चीज़ याद रखेंगे, वेबसाइट के अंदर दो चीज़ें हैं, एक आपका कंटेंट है और एक वेबसाइट की टेम्पलेट है, आपका कंटेंट डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए अगर आपने वेबसाइट को रैंक करना है। जैसे मैं YouTube पढ़ा रहा था आपको तो मैं कह रहा था कि भाई जो जो वीडियोस रैंक हुई हैं उनको देखो, उनका कंटेंट लेके लगा सकते हैं, उसमें YouTube की SEO में कंटेंट इशू नहीं है अभी तक, आज की तारीख तक, लेकिन वेबसाइट में अगर आप किसी का कंटेंट लेंगे तो आपकी वेबसाइट तो लाइव होगी लेकिन रैंक नहीं होगी, कभी भी कीवर्ड के अगेंस्ट नज़र ही नहीं आएगी, सिर्फ उसका URL लिख के देख सकते हैं। सबसे पहला हमारा काम है वो ये है कि हमें अपनी वेबसाइट के लिए यूनिक कॉन्टेंट लिखना है, ऐसा कंटेंट जो किसी भी वेबसाइट में यूज़ ना हो। हम आइडिया लेने के लिए किसी की वेबसाइट ज़रूर देख सकते हैं, लेकिन अगर हम यूँ कहें, और सपोज ये भी सम टाइम जेन में होता है कि भाई इस तरह की 10 वेबसाइट्स हैं, एक सेंटेंस एक साइड से उठा लेते हैं, एक सेंटेंस दूसरे से, तो शायद फिर कॉपीराइट नहीं होगा, होगा बिल्कुल होगा, अगर आपने एक सेंटेंस भी किसी का कॉपी किया है तो आप कॉपी कर रहे हैं उसका कॉन्टेंट। सो इसका तरीका ये है कि आप कॉन्टेंट कॉपी नहीं करें बल्कि आप नया कॉन्टेंट, तो नेट के ऊपर इतने सारे आपको टूल्स भी मिल जाते हैं जो कंटेंट लिख देते हैं आपको, लेकिन वो सारे के सारे पेड टूल्स होते हैं। सो इसका बेहतर हाल यही होता है कि आप खुद से कंटेंट लिख सकते हो, अदरवाइज गूगल ट्रांसलेटर आपके पास मौजूद है, उधर से भी आप ट्रांसलेट करके नया कंटेंट लिख सकते हो, आप ऑडियो से टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लो, अगर आप इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं बोल सकते तो, वैसे तो ये आपका एक रिक्वायर्ड मॉड्यूल है, या तो आपकी टीम में कोई बंदा होना चाहिए कंटेंट राइटर, ठीक है, यहाँ आप खुद से कंटेंट लिख सकते हो, क्योंकि अगर आप कंटेंट लिख सकते हैं तो आपको बार बार लिखना है, एज ए डिजिटल मार्केटिंग आपको बार बार लिखकर मैसेज देने हैं ना लोगों को, यानी किसी ने कोटेशन मांगनी है तो वो भी तो लिखकर ही देनी है हमने, तो इन राइटिंग तो हमारी अच्छी होनी चाहिए इंग्लिश की राइटिंग, ठीक हो गया, तो कॉन्टेंट हमारा किंग है, लेकिन टेम्पलेट मेरे पास ये एक टेम्पलेट है, आप इसे 50 वेबसाइट्स बनाकर दे दें किसी को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही टेम्पलेट की 50 वेबसाइट्स होंगी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक कंटेंट की दो वेबसाइट्स भी नहीं चलेंगी, ठीक है। सो, आपके पास ये वेबसाइट आ जाएगी, ये मैं सिखाऊंगा, आप अपनी वेबसाइट बनाओ खुद से, आपको किसी डेवलपर की फिलहाल ज़रूरत नहीं है, नो डाउट अगर आप कोई कस्टमाइज करके वेबसाइट बनाना चाह रहे होंगे बिल्कुल ही डिफरेंट किस्म की, तो उसके लिए आप डिवेलपर हायर करेंगे, लेकिन अगर आपने, और मेरे पास जो वेबसाइट्स आती हैं, मेरे पास वेबसाइट डिवेलपर से होकर आती हैं, यानी कि वेबसाइट डिवेलपमेंट वाले फेज से गुजर चुकी होती हैं, बन चुकी होती हैं और फिर मेरे पास आती हैं, तो समटाइम डेवलपर ऑफ द स्क्रीन होते हैं और समटाइम डेवलपर्स ऑनलाइन होते हैं, तो कुछ छोटी मोटी चेंजेस मैं खुद भी कर लेता हूँ उसमें एज ए ऑप्टिमाइजर, लेकिन जब मेजर चेंज होगी तो फिर मैं उसे कहूँगा भाई इसको आप डेवलपर से करवा कर दें, मुझे ये काम डेवलपर से करवा कर दें, लेकिन वो काम ऑप्टिमाइजेशन का काम नहीं होगा, वो काम स्ट्रक्चरल काम होगा, वेबसाइट का स्ट्रक्चर चेंज करने का काम होगा, ठीक है। सो ये था हमारा जी आज का लेसन जो इंट्रोडक्शन का था, अगले लेसन में इंशाल्लाह